अब आपके अब टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप देखेंगे, आप इसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट है। अगला ऑप्शन इमेजेस आता है, इसमें क्रॉप रिसाइज रोटेट वगैरह है। अगला ऑप्शन आता है टूल्स का, टूल्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं। उसके आगे आता है सेव, सेव में इतने सारे ऑप्शंस हैं, और आगे ये कलर्स वगैरह हैं। तो इनको कब किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ इमेजेस बनाता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले आपको इमेज ये सेव के थ्रू आपको इमेजेस बना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे इसमें मल्टीपल टाइप के शेप है, जैसे कि ये आप कर्सर ले जाएंगे तो उसके शेप पे नाम भी आ जाएंगे, जैसे कि लाइन है, ये कर्व है, ये सर्कल ओवल है, ये रेक्टेंगल है, ये राउंड रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से सारे जितने भी इसमें शेप है सबके नाम है आप देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ शेप बनाता हूँ, जैसे मैंने ये हर्ट लिया, और हर्ट बनाने के लिए आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे हर्ट को, उसके बाद अपने पेज पे क्लिक करके रखेंगे, क्लिक रखने के बाद अपने माउस को मूव करेंगे तो इस तरीके से ये मूव हो जाएगा। अब मूव होने के बाद शेप कट साइज आप जिस हिसाब से रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, आप देख सकते हैं छोटा बड़ा जो भी करेंगे। माउस का कर्सर आपको छोड़ना नहीं है, माउस को कर्सर को पकड़ के रखना है। जैसे कि मैंने अभी ये शेप बनाया, और जैसे ही आप बना के क्लिक को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये रेक्टेंगल डॉट डॉट से चारों तरफ नजर आ रहे हैं, ये। इससे क्या है, अगर आपने जो ये हार्ट बनाया है, हार्ट को छोटा और बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी इस ये जो आपने ये शेप लिया है इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे शेप के ऊपर ही प्लस निशान आ रहा है, तो माउस से आप क्लिक करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये अभी सिलेक्ट है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर इसको साइज को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप ये कॉर्नर पर लेके जाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे एरो की आ जाएगा ऑटोमेटिक, और एरो की आने के बाद आप माउस से क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को और इसको मूव करेंगे छोटा या बड़ा के लिए। तो ये आप इसका रिसाइज कर सकते हैं, इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आप कैसा भी कर सकते हैं। तो ये अपने जो पिक्चर्स आपने इसमें शेप आपने लिए हैं उसको छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने इतना बड़ा लेके छोड़ दिया है। तो इस तरीके से इसमें शेप बनाते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और शेप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ और बनाता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे बटन दब गया इसका। उसके बाद जहां से बनाना चाह रहे हैं, जहां पे बनाना चाह रहे हैं वहां से कर्सर को लेके जाएंगे अपने इस तरीके से, और वहां पे पहले क्लिक करेंगे, और क्लिक को दबा के ही रखना है, छोड़ना नहीं है, दबा के रखा। उसके बाद अपने माउस को धीरे से मूव करेंगे तो आप देखेंगे रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का आप साइज क्या करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जब तक आप साइज अपने अकॉर्डिंग ना देख लें जब तक इसको छोड़ना नहीं है कर्सर को। अब जैसे कि मैंने ये साइज फिक्स किया और मैं माउस से अपने इस कर्सर को छोड़ूंगा तो इस तरीके से ये इस साइज में ये फिट हो गया है। अगर आप अभी भी इसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये छोटा छोटा ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं कॉर्नर में और सेंटर में, साइड में और कोने में और नीचे भी आप देखेंगे। इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि अब अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस पिक्चर्स ये पूरा पिक्चर सिलेक्ट है इस समय, इसको सिलेक्ट सिलेक्शन पोर्शन पे जाएंगे, क्योंकि अगर बाहर करेंगे तो आपका ये ऐसा का ऐसा ही फिक्स हो जाएगा, आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसाइज करना चाह रहे हैं, अब जैसे ये रेक्टेंगल को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कुछ और बनाता हूँ, जैसे कि ये मैं ओवल ले लेता हूँ, ओवल सिलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं ले जाऊंगा माउस के कर्सर को और यहाँ पे प्रेस करूंगा बटन को और धीरे से इसको मूव करूंगा, तो आप देखेंगे ओवल बनना शुरू हो गया है। अब इसका साइज क्या रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, छोटा बड़ा आप कैसा भी कर सकते हैं माउस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इतना बड़ा करने के बाद माउस को छोड़ दिया जैसे, तो आप देखेंगे ये भी अभी सिलेक्ट है, अगर ये सेंटर नहीं है आप इसको भी जब तक ये सिलेक्टेड है आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, माउस से दबाएंगे बटन को, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, दबा के रखेंगे तभी ये मूव करेगा। अभी जैसे सेंटर में मैं लेके आता हूँ इसको, यहाँ पे लेके आया हूँ इस तरीके से, और ये जो नीचे की डॉट है, एक सेंटर में भी डॉट है, आप नीचे से इसको नीचे जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐसे लाके क्लिक करेंगे और नीचे ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जॉइंट से जुड़ जाएगा और आपका रेक्टेंगल जो आपका ये ओवल है ये फिक्स होके बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम माउस से मूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से शेप बनाते हैं हम। ये एरो है, एरो बनाना चाह रहे हैं, राइट एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से कर्सर को दबाएंगे और इस तरीके से हम ऐसे पहले नीचे की तरफ ले लेते हैं, फिर राइट साइड में लेंगे तो आप देखेंगे
आप इसको कितना भी कैसे भी किसी भी साइज में छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जब तक आपने बटन को दबा के रखा हुआ है दोस्तों, ये आपको जब आप अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने एरो बना दिया, तो आप देखेंगे ये एरो बन गया है। तो इस तरीके से आप अपने सेव बना सकते हैं कंप्यूटर में। कुछ और आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें कि एक लाइन है ये, अगर आप अपने कंप्यूटर में लाइन को बनाना चाह रहे हैं तो लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सीधी लाइन मुझे बनानी है, तो आप देखेंगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सीधे माउस को नीचे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन बन जाएगी। और जब तक आपको लाइन अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ना दिख जाए, जब तक इसको आप माउस को कर्सर को छोड़ेंगे नहीं, सीधा छोड़ेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे ये आपकी लाइन बन गई है। ये तो इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और लाइन को छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यहां से ऊपर लेके जाएंगे, अब मूव करना है इसको ऊपर कर्सर लेके जाएं, प्लस का निशान आ गया तो आप मूव कर लें, छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइन खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, जैसे ये की बन गई। इसके अलावा और लाइन बनाना चाह रहे हैं ये, आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, जितनी बार सिलेक्ट करेंगे जितनी बार लाइन बनाना चाहेंगे उतनी बार आप लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। अगला इसमें आता है कर्व। कर्व में क्या होता है, आप अपनी एक लाइन बनाकर इसको दो एंगल में मोड़ सकते हैं। जैसा कि कर्व को लिया मैंने, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, माउस के कर्सर को नहीं छोड़ना है। लाइन बनाने के बाद हमने कर्सर को माउस के कर्सर को छोड़ देता हूं मैं। उसके छोड़ने के बाद आप इसको दो एंगल में कहीं भी कर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कर्व लाइन है। अब जैसे कि मैं एक नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ, क्लिक के बटन को दबा के रखेंगे तो इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने कर्व का बटन छोड़ा नहीं है। अब जैसे कि मैंने ये इस तरीके से एक कर्व कर लिया, अब एक बार उसको और अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, एंगल को घुमा सकते हैं। ये दूसरी बार बटन को दबाया और इस तरीके से आप कैसा भी कर शेप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही कर्व लाइन का यूज होता है। इसी तरीके से आप जिस बॉक्स को लेना चाह रहे हैं आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। स्टार चाह रहे हैं तो आप स्टार लीजिए और ऐसे मूव कीजिए तो स्टार आपका तैयार। इस तरीके से शेप का यूज करते हैं। अब शेप का यूज करने के बाद मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ टूल्स हैं, टूल्स का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप पेंट में काम नहीं कर सकते। तो